कैसे लगे आपको विला के ग्लिम्स? आई होप अच्छे ही लगे होंगे, क्योंकि जब मैंने इस विला को देखा था मेरे मुंह से निकला था वाओ। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है यार ये। आपकी जो लोकेशन है वो भी बहुत अच्छी है। आपकी लोकेशन है 132 सेक्टर मोहाली में सिचुएटेड है आपका विला, और इसका जो साइज है वो है 200 गज। बहुत बड़ा विला है, बहुत स्पेशियस विला है। अगर मैं आपको इसका एंट्री का बताऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल रहा है एंट्री में ही एक स्लाइडिंग गेट, बहुत बड़ा, और यहाँ पे आपको मिल रही है बाहर भी स्पेस जहाँ पे आप एक गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हैं, अपनी बाइक्स, अपनी स्कूटी आराम से पार्क कर सकते हैं। और इसके साथ ही आइए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ आपको मिल रहा है थोड़ा सा स्पेस जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, उनको गार्डनिंग का शौक होता है, प्लांट्स लगाने का शौक होता है, मुझे भी है, तो ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। आप यहाँ पे अपने छोटे छोटे से प्लांट्स लगा सकते हैं इजीली। तो आइए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ विला के अंदर। देखिए आपका एंट्री पार्ट ही कितना ज़्यादा स्पेशियस है, आप इसको मल्टीपर्पजली यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, आप यहाँ पे बहुत सारे गमले लगा सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, झूला लगा सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ छोटा मोटा आप यहाँ पे प्लेग्राउंड बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे घर पे छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं जहाँ पे हमें स्पेस की ज़रूरत होती है कि हम अपने फंक्शंस जो हैं घर पे ही ऑर्गेनाइज़ कर ले, तो उस पर्पज़ के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नाउ और आपको यहाँ पे छोटा सा एक स्टोर रूम बोल सकते हैं आप, जैसे भी गार्डनिंग का शौक होता है किसी को, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम घर के अंदर नहीं रख सकते, वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो आपका विला है उसमें आपको 4 बेडरूम मिल रहे हैं, 2 बेडरूम आपके नीचे हैं, प्लस आपका हॉल, आपका किचन एंड आपके 2 बाथरूम, और ऊपर आपको मिल रहा है 2 बेडरूम, आपका हॉल, आपका किचन एंड बाथरूम साथ में। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसको 2 तरीके से यूज़ करते कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी रख सकते हैं, आप इसको रेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एंट्री बिल्कुल बाहर से है तो आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इश्यूज नहीं आएंगे अगर आप इसको रेंट भी करते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं घर के अंदर। तो अब हम एंटर कर चुके हैं आपके विला के अंदर। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही है आपका डाइनिंग एरिया, और इस साइड है आपका ड्राइंग एरिया। आप देख सकते हैं ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, देखो यहाँ इन्होंने वॉलपेपर लगाया है बट कितना रियलिस्टिक लग रहा है। उसके ऊपर है आपका वुडन का वर्क, वेरी ब्यूटीफुल, और यहाँ है आपकी एसी की डक्टिंग, आपका फॉल सीलिंग वेरी ब्यूटीफुल, आपका टाइलिंग, आपका सब कुछ एज इट इज़ ही आपको मिलेगा। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आपको मिल रहा है मिरर विंडो, जिससे आप ये देख सकते हैं कि आपके घर में कौन एंटर कर रहा है और कौन आ रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके आप देख सकते हैं डाइनिंग और ड्राइंग एरिया को का पार्टीशन किया गया है इस ब्यूटीफुल से वुडन वर्क से, आप देख सकते हैं, सो ब्यूटीफुल, बहुत एंटीक सा लग रहा है। और ये रहा आपका डाइनिंग पार्ट, वेरी स्पेशियस, आप यहाँ पे आराम से 10-12 सीटर डाइनिंग टेबल आराम से आप लगा सकते हैं एज़ पर योर फैमिली। उसके साथ ही आपको मिल रहा है यहाँ पे आपके LED का स्पेस, आपके बॉक्सेस जहाँ पे आप अपना डेकोरेट कर सकते हैं, इसको कोई भी एंटीक चीज़ें रख सकते हैं, और यहाँ पे भी है आपके पास एक स्पेस, आप इसको जैसे चाहे यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे एक सिंक भी मिल रहा है विद मिरर, जहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर चीज़ के लिए हम वॉशरूम में नहीं जा सकते, हमें हैंड वॉश करना है, कोई घर पे आया है उसको हैंड वॉश करना है, तो हम हर बार उसको वॉशरूम में नहीं लेके जा सकते, तो ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसके साथ ही है आपका एक स्टोर रूम, और यहाँ रही आपकी किचन, आप देख सकते हैं वेरी स्पेशियस किचन, और बहुत खुला किचन है, कैबिनेट्स वाइट कलर की बहुत सुंदर लग रहे हैं। इसका जो ओपनर है वो हाइड्रोलिक ओपनर है, आप देख सकते हैं, और साथ में इधर भी आप देख सकते हैं। और ये रहा आपका चिमनी का स्पेस, यहाँ पे आप अपना हॉब रख सकते हैं, और ये है आपका पेंट्री एरिया, यहाँ पे आप अपना पेंट्री सामान इजीली रख सकते हैं, वेरी स्पेशियस इट इज़ आल्सो। और यहाँ है आपका वेट एरिया जहाँ पे आपको मिल रहा है ड्यूल सिंक, और यहाँ पे भी आपके पास काफ़ी स्पेस है जहाँ पे आप अपना किचन का सामान इजीली रख सकते हैं, बहुत सारे कैबिनेट्स हैं यहाँ पे।
किचन में ना वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये रही आपके आपका वेंटिलेशन पार्ट, आपको मिल रही है यहाँ पे विंडो, जहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि बाहर से कौन अंदर आ रहा है या बाहर क्या एक्टिविटी चल रही है, और प्लस आप इसको वेंटिलेशन का जरिया भी बना सकते हैं। नाउ हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में। तो ये रहा आपका फर्स्ट बेडरूम, यहाँ पे आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं आपको सारी एज इट इज़ मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे है आपके स्टार्टिंग में ही है आपका LCD का पैनल जहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने वुडन का वर्क कर रखा है जहाँ पे आप अपनी LCD लगा सकते हैं। और लुक एट दिस वॉल यार, ब्यूटीफुल, इन्होंने यहाँ पे वॉलपेपर लगाया है प्लस इसमें वुडन का वर्क किया हुआ है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और यहाँ है आपके कबर्ड्स विद स्लाइडिंग डोर्स, बहुत ज़्यादा स्पेशियस कबर्ड्स हैं, क्योंकि कबर्ड्स रूम में मस्ट होते हैं खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि हमारे पास कपड़े इतने होते हैं कि जगह इतनी चाहिए रखने के लिए कि पूछो मत, फिर भी हमारे पास कपड़े नहीं हैं। और ये रहा द बेस्ट पार्ट आपके सजने संवरने के लिए, मिरर, जो कि रूम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना हम इमेजिन नहीं कर सकते अपना रूम। और यहाँ है आपका वॉशरूम, ये भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पे भी आप जितना भी आइटम्स देख रहे हैं, आपका जितनी भी चीज़ें हैं, टाइल्स है, आपका सीट है, आपका सिंक है, ये आपको एज इट इज़ मिलेगा सारा। हाँ, और यहाँ रही आपकी रूम की विंडो, क्योंकि वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रूम में। और ये रही आपकी AC की डक्टिंग। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आर सेकेंड रूम, इसके बिल्कुल साथ में ही है आपका सेकेंड रूम, ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इन्होंने वॉलपेपर लगाया है प्लस वुडन का वर्क है, तो ये वॉल कितना सुंदर लग रहा है। और हाँ, आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग कितना सुंदर लग रहा है, ये भी आपको एज इट इज ही मिलेगा विद लाइट्स। और यहाँ है आपका LCD का पैनल जहाँ पे, और साथ में मिल रहे हैं आपको छोटे छोटे बॉक्सेस जिनको आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, आप स्पीकर्स लगा सकते हैं इनमें या कुछ भी। और यहाँ है आपका ड्रेसिंग पार्ट, आपको मिरर मिल रहा है, आपका ड्रेसिंग टेबल मिल रहा है इतना बड़ा, और साथ में यहाँ भी मिल रहे हैं आपको आपके कबर्ड्स विद स्लाइडिंग डोर्स। और यहाँ है आपका वॉशरूम, जो कि अगेन वेरी स्पेशियस है, यहाँ पे भी जितनी भी आपके फिटिंग है, आपकी टाइल्स हैं, वो आपको एज इट इज मिलेंगी सारी। और यहाँ पे मिलता है आपको आपका बैल्कनी एरिया या आपका यूटिलिटी एरिया, आप इसको वॉशिंग एरिया भी आपका बोल सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे पानी की फैसिलिटी मिल रही है, टैप्स मिल रहे हैं, आप यहाँ पे वॉशिंग का भी आप अपना काम कर सकते हैं। सो गाइस, ये तो था हमारा ग्राउंड फ्लोर, अभी हमारा अपर फ्लोर बाकी है जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आपको दिखानी है। अभी तक आपको ये विला कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और स्किप तो बिल्कुल मत करिएगा वीडियो को, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। लेट्स कम ऑन। तो ये रहा फर्स्ट फ्लोर, आप देख सकते हैं आपको ऊपर आने के लिए यहाँ पे स्टेयरकेस दिया जाएगा, और साथ में फॉर सेफ्टी पर्पज़ आपको ये रेलिंग भी मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत स्पेस है जहाँ पे आप चेयर्स लगा सकते हैं, लाइक अपनी फैमिली के साथ शाम की चाय एंजॉय कर सकते हैं विद अ व्यू, बैल्कनी व्यू, आप यहाँ पे झूला लगा सकते हैं, और छोटे मोटे गैदरिंग के पर्पज़ के लिए भी आप इस प्लेस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास रेलिंग दिया गया है जिसकी काफ़ी अच्छी हाइट है फॉर सेफ्टी पर्पज़। तो आइए हम चलते हैं अंदर। तो ये रहा आपका फर्स्ट फ्लोर, आप देख सकते हैं आपको एंटर करते ही यहाँ पे मिलता है आपका ड्राइंग पार्ट, और वहाँ पे है आपका डाइनिंग पार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी फॉल सीलिंग लगा हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग लगा है। यहाँ पे सामने दिया गया है आपके LCD का स्पेस जहाँ पे आप अपना LCD LED जो भी है आप लगा सकते हैं। और यहाँ है आपका हाफ टेरेस बोल सकते हैं आप इसको, बहुत खुला पार्ट है यहाँ पे, और यहाँ से ही आप अपने टेरेस में भी जा सकते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे फिर कुछ देर बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके ड्राइंग एरिया में आप 8-10 सिटर सोफा आप अपना आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ में ही है आपका डाइनिंग पार्ट जहाँ पे आप अपना डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, 8-10 सीटर डाइनिंग टेबल आराम से लगा सकते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको जितनी भी फॉल सीलिंग, आपका वॉल्स, आपका वॉलपेपर, आपकी फ्लोरिंग, आपको सब कुछ एज इट इज मिलेगा। और साथ में ही है आपका किचन, सेम जैसे आपने नीचे किचन देखा था वैसा ही है, काफी स्पेशियस, वेंटिलेशन पार्ट भी है आपके पास, कैबिनेट्स भी हैं आपके हाइड्रोलिक ओपनर के साथ, आपके कैबिनेट्स हैं आप देख सकते हैं, लोअर प्लस अपर बोथ कैबिनेट आपके पास हैं। यहाँ पे है आपकी चिमनी का स्पेस, यहाँ पे है आपके हॉब का स्पेस, आप बहुत ज़्यादा स्पेस है, आप सामान अपना इजीली स्टोर कर सकते हैं किचन का। और अब है आपका ड्राइंग एरिया के साथ बिल्कुल ही साथ में अटैच है आपका फर्स्ट रूम यहाँ का, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपके पास इन्होंने वॉलपेपर लगाया है, ब्यूटीफुल वॉल लग रही है ये, बहुत सुंदर लग रही है। और ऊपर आप देख सकते हैं आपका फॉल सीलिंग विद वुडन वर्क प्लस लाइट्स आपको एज इट इज ही आपका मिलने वाला है। और ये विंडो तो मैं आपको बाहर से दिखा चुकी हूँ। यहाँ है आपका LCD पैनल, आप यहाँ पे अपना LCD LED जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। और यहाँ है आपका वॉशरूम, यहाँ पे काफी अच्छा है कि आपको कबर्ड्स आपके वॉशरूम के बिल्कुल बाहर मिल रहे हैं विद स्लाइडिंग डोर्स आप देख सकते हैं। और यहाँ है आपका छोटा सा ड्रेसिंग टेबल। सो ये रहा आपका वॉशरूम, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपकी जितनी भी फिटिंग्स है, आपकी टाइल्स है, आपको सब एज इट इज ही मिलेगा। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड रूम में। तो ये रहा हमारा सेकेंड रूम, काफी स्पेशियस रूम है, इसमें भी आपको वॉलपेपर मिल रहा है विद आपका फॉल सीलिंग विद वुडन वर्क और LED लाइट्स, ये भी आपका आपको एज इट इज ही मिलेगा। यहाँ रहे आपके कबर्ड्स विद स्लाइडिंग डोर्स, काफी स्पेशियस जैसे कि मुझे चाहिए होते हैं। और यहाँ है आपका LCD पैनल, आप देख सकते हैं इसमें भी आपका पूरा वुडन वर्क हो रखा है। और यहाँ है आपका ड्रेसिंग टेबल, काफी बड़ा ड्रेसिंग टेबल है विद मिरर, आप अपना मेकअप का सामान, अपना जो भी होता है लड़कियों का सामान, हमारा बहुत सारा सामान होता है ना, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, बहुत ज्यादा स्पेस है। और ये रहा आपका वॉशरूम, यहाँ पे भी आपकी जितनी भी फिटिंग है, आपकी ब्यूटीफुल टाइल्स आप देख सकते हैं, ब्राउन टाइल्स हैं आपकी, आपको सब एज इट इज ही मिलेगा। और यहाँ है आपका वेंटिलेशन विंडो जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है रूम में। अब मैं आपको लेके चलती हूँ बाहर और आपको दिखाती हूँ एक बहुत ही सुंदर सा नजारा। आप देख सकते हैं ये है आपका आउटर पार्ट अपर स्टोरी का, काफी स्पेशियस है, इसको भी आप बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्लांटिंग कर सकते हैं, बहुत सुंदर प्लांटिंग कर सकते हैं, गमले रख सकते हैं, बहुत ज्यादा स्पेस है यहाँ पे। आप यहाँ पे आपको आपके लिए वॉशिंग एरिया भी दिया गया है, तो आप उस पर्पज से भी इसको यूज कर सकते हैं। और भी लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी जिनको हम घर के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, बाहर हमें जगह चाहिए होती है, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर है आपका टेरेस विद ब्यूटीफुल व्यू, ये है आपका ब्यूटीफुल टेरेस आप देख सकते हैं, जहाँ पे आके आप बारिश, सर्दियों में धूप, बहुत सारी चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा 200 गज का विला, वेरी अमेजिंग लोकेशन, 132 सेक्टर मोहाली, वेरी क्लोज टू PR7, वेरी स्पेशियस। मुझे तो पर्सनली ये विला बहुत अच्छा लगा है, आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।